बता साहब अपुन बता दे साहब, अपुन ने पहले भी कबूला था और अब भी कबूलता है, कबूलते हैं ना आपको, क्या है ना साहब? अपुन ने जिंदगी में सब कुछ देखा, सब कुछ, बस वो फांसी का फंदा नहीं देखा साहब, जो आदमी खुद अपने गले में डालता है, खुद डालता है। अब उसको बहुत मजा आता है ऐसी मौत देखने में, सच्ची माँ कसम, मत बहुत मजा आता है ऐसी मौत देखने में, मजा आता है जो एक बाप अपने बेटे को देता है, एक माँ अपने बेटे को देती है, एक आदमी खुद अपने आप को देता है। अपुन तो सिर्फ मुक्ति देता है साहब, आपके जैसा, आपके जैसा नहीं रे, नहीं साहब, सिम्मी, सिम्मी को तो सिर्फ अपुन देखता था, सिर्फ देखता था। क्या ना था साहब, अपुन ने फुल नशा किया हुआ था और नशे में मुझको और अच्छी होती, और तो सबको चाहिए ना, आपको भी चाहिए होगी। तो अपुन सिर्फ उसको देखता था और वो औरत के चक्कर में वो हो गया ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ महाभारत और रामायण, रामायण में अपना रावण ब्राह्मण इंसान को विलन बना दिया औरत के चक्कर में। उसने औरत के चक्कर में पुष्पक विमान बना दिया, हवाई जहाज। सोच, अपुन तो अब ये सोचता है कि अगर औरत ना होती तो हवाई जहाज ना होते। या अपुन रोज देखता है साहब, अपुन रोज देखता है अपने ऊपर से कितने हवाई जहाज चले जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता, आपको भी नहीं होता। अब तो अब जब भी हवाई जहाज उड़ता देखता ना तो अपन बोलता है अपने आप से, रे मुन्ना देख फिर उड़ा चला रावण अपनी सीता के साथ, नहीं मिला। अरे नहीं साहब, रामायण महाभारत की नहीं है, बहुत बोरिंग इंसान। अरे चाहिए थी अपने को, मिली थी अपने को एक लड़की, अपन ले गया उसको वो अपनी सिम्मी के घर, क्या नाम था उसका, अंकित, अंकिता नाम था लड़की, 21-22 साल की एकदम कलर। तो प्रॉब्लम ये थी ना कि उसकी लेने के लिए ना अपने पास जगह नहीं थी, तब ले गया उसको सिम्मी के घर, चाबी भी है अपने पास, कहाँ जी है अपने पास चाबी, हाँ। अपुन गया सिम्मी के घर, अपुन ने दरवाजा खटखटाया तो सिम्मी ने दरवाजा खोल दिया, सिम्मी अंदर थी। तो अपुन ने सिम्मी को साइड में गया, उसको अंकिता को लेके गया, सीधा बेड पे डाला उसको। अगर अपुन स्टार्ट ही कर रहा था कि वो चिल्ला रही थी साहब, तो वो दिया दो कान के नीचे उसको, और अपुन नशे में था ना साहब, नशे में, अपुन नशे में था तो ना खड़ा नहीं हो रहा था। तो वो हंसी जा रही थी साली, मैंने उसको बोला चुप हो जा, चुप हो जा तो मारूंगा मैं तुमको, फिर भी हंसी जा रही था, मैंने उसको बोला चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं मानी उसको, मैंने दिया और पटक दिया था दीवार पे। किस्सा खत्म कर दिया साले का, खत्म कर दिया। क्या करेगा,
अपुन पे हंसती थी, राघव को